अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 149। और आज के लेसन में हम एक 3D बल्ब विद फिलामेंट रॉड ड्रॉ करेंगे और इसमें देखेंगे हम 3D बल्ब को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उस बल्ब में हम जो वो बल्ब होगा उसमें उसके मिरर को हम ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल होगा 149 और इसके बाद एक और है 150, उसमें भी हम इसी के ऊपर काम करेंगे। इसमें हम फिलामेंट रॉड वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है, तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ आज हमने जो चीज़ ड्रॉ करनी है। ओके, आज के लेसन में हमने सिर्फ ये चीज़ इसकी ड्रॉ करनी है। तो इसके फिलामेंट रॉड जो अंदर से फिलामेंट रॉड पड़ा हुआ होगा वो हम इंशाल्लाह कल ड्रॉ करेंगे। तो आप ये देखें, ज़रा देख सकते हैं आप, आपको 3D में क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो आज हम इस चीज़ को आज के लेसन में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, स्टार्ट ड्राइंग। ओके, अब आपने यहाँ पे जी सर्कल ड्रॉ करना है, सी एंटर, 5 यूनिट आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, इसके बाद एक और सर्कल आप ड्रॉ करेंगे और सर्कल वो अप्रोक्सीमेट लेंथ के थ्रू आपने उसमें जो आपने रेडियस देना है अपने अंदाजे के मुताबिक देना है और वो ड्रॉ आपने जो करना है वो आप बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करें। आपने सर्कल लेना है, सी एंटर करें, सी एंटर, 2 पॉइंट सर्कल लें, 2P एंटर, और यहाँ से आप थोड़ा सा इसे डिस्टेंस पे नीचे लिखें और फिर यहाँ से आप इसे ऊपर लेके ना यहाँ से बिल्कुल इसी फासले पे आपने एक ड्रॉ करना है सर्कल। यस, बिल्कुल इस तरफ अंदाजे। ओके, यहाँ तक ये सर्कल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आपने जो काम करना है, एक और सर्कल आपने ड्रॉ करना है जो कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस आपका सर्कल होगा। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल ड्रॉ करें और एक यहाँ से टेंजेंट ये मैं देता हूँ, दूसरा टेंजेंट में यहाँ से ये देता हूँ और बाय डिफॉल्ट वैल्यू पे आप एंटर कर दें। आप सिर्फ आपने एंटर करना है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू में बस टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ट्रिम कमांड यूज़ करें, TR डबल एंटर, और फालतू जो एरिए हैं उनको आप ट्रिम करें। ओके, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, एल एंटर, यहाँ से इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें, बाकी जो हिस्से उनको ट्रिम कर दें, TR डबल एंटर। ओके, ट्रिम करने के बाद आप एक और लाइन ड्रॉ करें, एल एंटर, बिल्कुल इस तरह एक लाइन ड्रॉ करें, ऐसी एक लाइन ड्रॉ करें। F8 प्रेस करता हूँ मैं, फेड प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ पे ऐसी ड्राइन लाइन आपने ड्रॉ करनी है और इसको भी आप ट्रिम कर दें, TR डबल इंटर करके आप इसको ट्रिम कर दें इसके एजेस को। ओके, अब इसको हमने फिलेट करना है, अपने सॉरी ज्वाइन करना है, ज्वाइन के लिए जेंट स्पेस प्रेस कर लें, तो ये हमारे पास ज्वाइन हो गया। ज्वाइन करने के बाद आपने यहाँ पे रिवॉल्व कमांड यूज करनी है, उसके लिए आप REV एंटर करेंगे, एंटर, इसको सेलेक्ट करें, स्पेस और स्पेस 1 पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट आप दें, एंटर कर दें, तो देखें रिवॉल्व होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ओके, अब अपने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये हमारे पास एक बल्ब का कंप्लीट एक इंटरफेस आप देखें कंप्लीट इसका बन गया। अब मैंने जो काम करना है वो इसका लेआउट तो बन गया। आप यहाँ से मैं एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, और इसको मैं 3 एंटर करता हूँ। ओके, और यहाँ से आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप एल एंटर करें, मैं इसको करता हूँ यहाँ से F8 प्रेस करता हूँ और तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे इस कॉर्नर पे आप लिखें। ओके, अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आपने लाना है तो उसके लिए भी आप F8 प्रेस करें, यहाँ पे आप इसको जोड़ दें, जोड़ने के बाद यहाँ से इस पॉइंट में और इसको यहाँ से कोशिश करें कि ये क्लोज पाथ बन जाए, सी एंटर, इसको भी ज्वाइन करें, जे एंटर, ये इन सब को आप ज्वाइन करें, स्पेस प्रेस कर लें। ओके, अब यहाँ पे फिर आप रिवॉल्व कमांड यूज़ करें, रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, स्पेस, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट एक रिवॉल्व कमांड के थ्रू यहाँ पे एक कंप्लीट एक बल्ब का इंटरफेस बन गया। अब इसको यहाँ से आप 3D व्यू में लेके जाएं, 3D व्यू में मैं लेके आया और इसको यहाँ से अब आप यहाँ से आप इसको शेड दे दें, रियलास्टिक शेड दे दें। ओके, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक कंप्लीट
एक 3D बल्ब ड्रॉ हो गए, देखें तो जबरदस्त हमारे पास बल्ब ड्रॉ हो गए। ओके, अब आपने काम करना है इसके फेस पे, इसके फ्रंट फेस पे काम करना है, यहाँ पे इस फेस पे काम करना है। तो इस फेस पे काम करने के लिए आप यहाँ से फेसेस सेलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें कोऑर्डिनेट में यहाँ पे, और इसके फेसेस पे क्लिक करें और यहाँ से इसका फेस ये वाला सेलेक्ट करें और एक्सेप्ट कर लें इसको। ओके, अब यहाँ से अपने यहाँ से हेलिक्स कमांड आपने लेनी है, तो उसके लिए आप यहाँ से ड्रॉ बार में जाएं, हेलिक्स कमांड पे क्लिक करें और इसके मिड पॉइंट से आप एक हेलिक्स कमांड ड्रॉ करें, ये मिड पॉइंट इसका, और इसको रेडियस दें आप, फर्स्ट रेडियस दें 1.5, एंटर, सेकेंड भी दें 1.5, एंटर। ओके, और यहाँ से अब नंबर ऑफ टर्न्स आपने देने हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आप देंगे जी टी, एंटर करेंगे टर्न्स के लिए टी एंटर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स के लिए 5 टर्न दें, और 5 टर्न देने के बाद आप इसको स्पेस दे दें, 3 एंटर कर लें, देखते हैं ज़रा, ये भी यहाँ पे हो गया और 1.5 बहुत कम है, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सी विड्थ ज़्यादा है। हाँ, फिर मैं यहाँ से हेलिक्स कमांड लूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके हेलिक्स कमांड अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, फिर सी एंटर, हेलिक्स कमांड और यहाँ तक देखते हैं कितने, 2 एंटर, टॉप भी 2 एंटर। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए टी एंटर, नंबर ऑफ टर्न्स 5, और इसको हाइट जो देता हूँ मैं वो दूंगा 3। यहाँ पे एक आ गया, लेकिन इसमें काफ़ी ज़रा फ़र्क है, तो कोई बात नहीं, मैं अब सर्कल जो ड्रॉ करूँगा वो तो उसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा दूंगा, सेंटर सी एंटर, सर्कल सी एंटर, इसको मैं देता हूँ 3.3 देता हूँ, 0.4 देता हूँ, और यहाँ पे स्वीप कमांड यूज़ करूँगा, इसको स्पेस और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, देखते हैं फिर भी काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा कम करें, सी एंटर, 2.7 एंटर, सॉरी सी एंटर, 0.0.27 एंटर, ओके यहाँ पे आ गया जी, लेकिन इसमें भी फर्क है थोड़ा सा, फर्क है, चलिए मैं इसको इस तरह करता हूँ, जो हेलिक्स कमांड में अप्लाई करूँगा इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, हेलिक्स कमांड का साइज़ थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ, ताकि क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे काम करूँ, तो मैं इसको हेलिक्स का जो साइज़ मैंने दिया था जी वो मैंने दिया था 1.5 पे 2, और मैं यहाँ पे तो 1.8 एंटर, टॉप भी 1.8 एंटर, और टर्न्स के लिए टी एंटर, नंबर ऑफ टर्न 5 एंटर, और हाइट देता हूँ इसको 3, सी एंटर, 0.28 एंटर, स्वीप कमांड सिलेक्ट स्पेस और यहाँ से इसको, ओके आप देखते हैं, अब यहाँ पे आप सबट्रैक्ट कमांड यूज़ करें, एस यू एंटर, इसको सिलेक्ट करें इसके फेसेस को स्पेस, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें स्पेस, ओके यहाँ पे कुछ काम हुआ, देखते हैं क्या हुआ, यस बन गया जी, यहाँ पे देखें थ्रेड इसके बन गए, देखें ओके ये हमारे पास थ्रेड इसके कंप्लीट हो गए। ओके, अब ये सारा काम कम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने 2 लेयर्स बनानी है, तो उसे ऐसे में रखता हूँ और यहाँ से टॉप व्यू में जाता हूँ, ओके 2 लेयर बनानी है आपने और उनमें आपने काम करना है, तो 2 लेयर बनाने के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आप लेयर्स पे क्लिक करें और यहाँ पे 2 लेयर बनाए, आप लेयर प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकंड 2 लेयर में बनाता हूँ मज़ीद, और एक लेयर में कलर जो देता हूँ मैं उसको येलो कलर दे दूँगा, ओके और इसकी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आप कम कर दें, यहाँ पे देखिए आगे जाए तो यहाँ पे आप लिखा हो ट्रांसपेरेंट लिखा हो नज़र आ रहा होगा आपको,
बढ़ाता हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है, तो इस लेयर की ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, जो कि मैं इसको रखता हूँ जी 70। ओके क्लोज करता हूँ इसको, इसको उठाता हूँ, उठा के इस लेयर में डाल देता हूँ, और नीचे वाले को उठाता हूँ, उठा के लेयर टू में डालता हूँ। देखें ज़रा, तो ये देखें आप, तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो गया, देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइन है ये आपको ट्रांसपेरेंसी की निशानी दे रहा है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक काफ़ी है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसके आगे करेंगे जो काम करना होगा, और उसमें हम इसमें थ्रेड्स वगैरह ड्रॉ करेंगे, इसमें जो थ्रेड्स वगैरह देखेंगे कि इसमें आप सॉरी थ्रेड नहीं, फिलामेंट रॉड हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, किस तरह इसमें इंसर्ट करेंगे फिलामेंट रॉड, और एक कंप्लीट इसमें मटेरियल कैसे अप्लाई करेंगे, और अच्छा सा बिल्कुल इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे कम की जाएगी। तो ये सारे काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।